बिल्कुल लकी है और ये प्यार है मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी का जमुई के प्रति और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था मात्र तीन दल थे भारतीय जनता पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड थी हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी उसके बावजूद हम लोग चालीस में से उनचालीस सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं तो जहाँ एक तरफ मेरे मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता देश का ही नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बिहार जब आते हैं तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो जमुई की धरती से करते हैं तो यकीन ये हम सबके लिए गर्व की बात है और मैं मानता हूं जो पिछली बार एक सीट की चूक रह गई थी किशनगंज वाली सीट इस बार उसको भी पूरा करके चालीस की चालीस सीटें हम लोग का गठबंधन जीतेगा लेकिन इंडियन लोग तो बोल रहे हैं कि मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए चालीस बोल दीजिए चार बोल दीजिए पांच बोल दीजिए खरीद लीजिए वजह से बिल्कुल सही बात है ऐसे ही उनका भी मुंह है बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे चौदह में भी बोले थे उन्नीस में भी बोले थे बोलने से नहीं होता ना आपको कार्य करना होता है आपको धरातल पर उतरना होता है आप मुझे बताइए मेरे प्रधानमंत्री अब लोग चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो अब एक्टिव होंगे पर मेरे प्रधानमंत्री को आप देखिए ज़्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है पिछले दो महीने का ही उनका कार्यक्रम आप उठा के देख लीजिए कोई दिन ऐसा नहीं है जब मेरे प्रधानमंत्री देश के अलग 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 कोने में ना जा रहे हों ये मेहनत ये मेहनत जनता को विश्वास दिलाती है मोदी की गारंटी के प्रति और जब मोदी की गारंटी अगर घर घर आज की तारीख में तो देश में क्या दुनिया में लोग मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो ऐसे में 400 प्लस का जो लक्ष्य है वो तो हम लोग पूरा करेंगे ही करेंगे बट उसमें बिहार की चालीसों सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा चिराग पास के लिए टॉप कौन सी सीट है जमुई या हाजीपुर हुई तो दोनों जगह लिए प्रतिष्ठा की बात है देखिये अंतगतवा निर्णय जनता के हाथ में है बट दोनों जगह मेरा मेरे लिए दोनों क्षेत्र अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए कोई राजनीतिक रणभूमि नहीं है मेरे लिए कोई मेरा वो संसदीय क्षेत्र नहीं है जमुई से पिछले दस सालों में वो रिश्ता बना जो एक बेटे का परिवार के साथ होता है और हाजीपुर से तो वो रिश्ता रहा ही है क्योंकि मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना और बचपन से हाजीपुर के लोगों के साथ उसी तरीके का रिश्ता रहा ऐसे में आ, मैं मानता हूँ कि जनता का प्यार ना सिर्फ इन दोनों जगह पर भरपूर मिलेगा बल्कि हम लोग की पाँचों सीटों पर और बिहार में चालीस की चालीस सीटों पर